मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम के लिए हुई थी डबिंग? क्या घाई साहब ने करी थी फिल्म को बनाने में जल्दबाजी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं पॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और जॉब अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। दोस्तों, 1993 में आई खलनायक फिल्म सुभाष घाई की फिल्मी करियर की सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म में से एक रही है। इस फिल्म की रिलीज से पहले और बाद में कई इंसिडेंट्स और कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी, पर जैसे ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आई, ऑडियंस ने इस फिल्म को काफ़ी पसंद भी किया और इस फिल्म को कई अवार्ड्स भी मिले। चोली के पीछे क्या है, इस सॉन्ग को अलका याग्निक और ईला अरुण ने गाया था और इस सॉन्ग के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड भी मिला था, पर यह अवार्ड सिर्फ एक था और कैंडिडेट दो, इसलिए दोनों के ये अवार्ड शेयर करना पड़ा था और बॉलीवुड अवार्ड्स की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि जब किसी अवार्ड विनर को कोई अवार्ड को शेयर करना पड़ा हो। तो ये फिल्म अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रही है। फिल्म में एक और कैरेक्टर है जिसका रोल भी कुछ हटके है। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ से जुड़े इंसिडेंट तो आपने हमारी बाकी वीडियोस में देखे ही होंगे, पर इस फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में दिखाई दिए थे आनंद बलराज, उनसे जुड़ा भी एक इंसिडेंट है। इस फिल्म में वो कुछ समय के लिए ही दिखाई दिए थे और उनके रोल में कुछ डायलॉग की भी कमी ही थी, लेकिन वो जो डायलॉग दिए थे उनको उसमें भी डबिंग की गई थी, उनकी वॉइस को डब्ड करके शो किया गया था। इस डबिंग के पीछे क्या वजह थी ये तो आज के मेकर्स ने नहीं बताई है, पर शायद खलनायक 2 के साथ इस फिल्म से जुड़े कुछ और भी दिलचस्प राज भी सामने जल्द ही बाहर आ जाएंगे। सुभाष घाई को ये फिल्म याद रहे ना रहे, पर ऑडियंस इस फिल्म को हमेशा याद रखेगी और वो किसी को भूलने भी नहीं देगी। सुभाष घाई ने अपने नाम की ही तरह इस फिल्म को बनाते वक्त काफ़ी जल्दबाजी करी थी, जिसका नतीजा है आज सबके सामने। इस फिल्म को ट्रोल करने का मौका उस वक्त किसी ने नहीं छोड़ा था, पर फिल्म के दमदार कहानी की वजह से ये फिल्म 90s की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। अब खलनायक 2 के लिए भी सुभाष यही जल्दबाजी दिखाएंगे या इस बार फिल्म में हमें कुछ नया और हटके इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, यही जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियोस और को ज़रूर देखें। फिल्म से जुड़ी कुछ और न्यूज़ के साथ हम मिलेंगे जल्द ही आपको। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।